तुम, लेकिन यहाँ कंपनी ने तो भाई तुम्हें फ्यूचर शेयर दे दिए हैं या क्रिप्टो दे दिए हैं तुम्हें केवाईसी करने पर, या अगर तुम्हें शेयर नहीं मिले तो क्रिप्टो दे दिए हैं, तो तुम धन्य हो कि तुम्हें शुरुआत में ये चीज मिल रही है जो आने वाले समय में इतना वैल्यू बना के दे जाएगी। जैसे कि आज बिटकॉइन है, अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन को यहां तक आने में यार 12-14 साल लगे इस लेवल पे आने पर, और आपका जो ये जो शेयर जाका है आपका, ये उससे कम समय लेगा लेकिन आपको बहुत अच्छे आंकड़े छू के दिखाएगा, क्योंकि हम एफिलेट प्रोग्राम है और इसके बहुत तेजी से सप्लाई होने के साथ साथ बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। तो कहने का मतलब कि लोग बिना मतलब अननेसेसरी जो है शोर मचा रहे, हमारे 1100 डुबा दिए, हमारी टीम नेगेटिव हो गई, हमारे सारे लोग मर गए, हमारे कोई विज्ञापन ही नहीं देखता, हमारा ये हो गया। अरे भाई मत देखना तो किसी को विज्ञापन, जब शुरू होएगा शोर होएगा अपने आप विज्ञापन देखेंगे, अपने आप आईडी खोल के देखेंगे, वो जब उनकी आईडी पे जो शेयर्स पड़े हैं, जो क्रिप्टो पड़े हैं ना, जब आने वाले समय में उनको बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे पास आईडी खोल के इसमें इतना वैल्यू का जो क्रिप्टो पड़ा है, तो भौचक्के रह जाएंगे, आग फट जाएंगी। यही सोच लो भाई अभी की बर्बाद कर दिए, 1100 रुपये दारू पी के गुटखा खा के थूक दिए, ये सोच के शांत रह लो और कुछ दिन वेट करो, देखो आप क्या होने वाला है। बहुत बड़े बड़े लेवल के अधिकारी गण यहाँ पर जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं हम लोग के साथ में, बहुत से लोग हैं ऐसे, हर किसी का नाम डिस्क्लोज करना कोई जरूरी नहीं है, हर किसी को पता है क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर क्या है। बड़े बड़े ऐसे दिग्गज लोग जो जाका परचेस कर रहे हैं, जो कई अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ जो है इस मार्केट में हमेशा कूदे हुए रहते हैं कि यार यहां पर ये नया स्कोप है और यहां से हमें ये चीज परचेस करनी चाहिए, उन क्वाइन को नहीं खरीदते हो जो माइनिंग के लिए आ रहे हैं, माइनिंग करो ना, ऐसे क्वाइन को नहीं खरीदते हो, वो उन क्वाइन को खरीदते हैं जो लाइव सामने आते हैं और प्राइस देते हैं मार्केट में कि आप हमें इस रेट में खरीदो। हैं ऐसे बहुत से, वो जाका के साथ जुड़े हैं बहुत सारे इन्वेस्टर, इंडिया से भी हैं, काफी बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े कुछ हैं, कुछ नाम लेना जरूरी नहीं है, बहुत से लोग हैं, और दूसरी कंट्री से भी बहुत लोग हैं। आपके यहाँ से तो आपने, चलो आपको तो यही पता है कि मेरे दोस्त ने किया, मैंने किया, उसने किया, इसने किया, लेकिन आप तो चिल्लर हो यार, आप तो चिल्लर हो, आप और हम चिल्लर हैं। सौ सौ मतलब $100 $200 से करके हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, $20 $12 हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं, कई कई हजारों डॉलर, हजारों यूरो कह लो, ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट जाका में हुई है। तो समझिए इस चीज को, कोई ऐसा नहीं कि यार आपके 1100 रुपये मतलब क्या है, लेकिन जो बंदे हजार हजार डॉलर या हजार हजार यूरो परचेस कर रहे हैं, चाहे इंडिया के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो, जब वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो यार आप अपने 1100 को लेके इतना क्यों टेंस हो, आप सोच के देखो। ये आने वाला समय है, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है इस कंपनी के साथ, कंपनी ने आपको कभी रोका नहीं है, हाथ नहीं पकड़ा है कि आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े तो हमारे साथ ही काम करो, या 10 जगह काम करो यार जहां से पैसा आ रहा है सही कंपनी के साथ। हम भी करते हैं 10 जगह काम, कोई इसमें छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर होने के साथ साथ कुछ अच्छे प्लान भी मैं करता हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग इनकम भी करते हैं, कर रहे हैं, फ्री में भी कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगा के भी कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है ना पैसा, कहीं ना कहीं इनकम ऑफ सोर्स तो बना रखा है ना, एक ही चीज पे तो अभी डिपेंड नहीं कि जालाइफ से ही आएगा तभी हम करेंगे, नहीं तो हम तो भूखे पेट बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। हर कोई व्यक्ति जालाइफ नहीं आने के पहले से भी कमा के खा रहा था, जालाइफ आने के बाद भी कमा के खा रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्यों इस तरीके से ब्लेम करते, क्यों इस तरीके से दोष देते हो कि भैया इसने तो बर्बाद कर दिया है या लुटिया डुबो दी, 1100 रुपये लेके तुमसे ज्यादा खर्चा तो इस कंपनी का अपना यूरो डॉलरों में होता है भाई, वेबसाइट मेंटेनेंस, जितने भी डी डॉस सिक्योरिटी हो गई, जितने भी और भी वेबसाइट सर्वर्स के मेंटेनेंस, आप क्या सोच रहे हो, मजाक है? आपने तो 1100 रुपये तो एक ही बार दिया ना, बार बार तो दे नहीं रहे, कंपनी तो हर महीने अपने मेंटेनेंस पे कई करोड़ों अरबों इंडियन रुपीज के हिसाब से काउंट